बरेली में महिला कांस्टेबल शिखा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद परिजन उनके फौजी पति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले के बारे में SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। घटना हुई है, महिला आरक्षी शिखा है जो बागपत की रहने वाली हैं, 19 बैच की हैं। कल सूचना मिली कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस बात पर हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल गए जहां वो भर्ती थी। उनके पति मिलिट्री में जनरल ड्यूटी में हैं और वहां जाकर हमने उनको देखा, चिकित्सकों से वार्ता की, उनको वहां पे मृत घोषित किया गया था। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो होगी और जो परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मौके से ऐसा लगता है कि पति और पत्नी के बीच कोई विवाद था किसी बात को लेकर, और जो परिजनों ने जानकारी दी है और किसी बात को लेकर के उनके बीच में कोई मारपीट भी होनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सब परिस्थितियों के हम लोग छानबीन कर रहे हैं। परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या आरोपी पतियों से गिरफ्तार किया गया? अभी मुकदमा दर्ज नहीं है, परिजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसलिए अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये थी बरेली से हमारे संवाददाता फजलुर रहमान की रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्शन टुडे।